एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक निधोली कला में स्थित झिनवार गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 18 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने अंजू देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2500 की आबादी एवं 1500 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 295 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 175 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 57 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा एक हैंडपंप रिवोल कराया गया है। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 125 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, 1 खडंजा पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया, चक रोड व तालाब की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 आवासों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, जूनियर हाई स्कूल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति नरेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक निधोली कला, तहसील एटा। मेरे गांव में सब कुछ चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। इस समय मेरी पत्नी प्रधान है, इससे पहले मैं प्रधान रहा, इससे पहले मेरी माँ प्रधान थी। और इस वित्तीय वर्ष में हमने खरंजा एवं 4 सीसी, 20 सोलर लाइट एवं सचिवालय का सौंदर्यीकरण, बाकी सब काम अच्छी प्रकार से कराए एवं शौचालय 50 बन के तैयार हो गए हैं और बाकी प्रगति चल रही है। लगभग 294 शौचालय का लक्ष्य में प्राप्त हुआ। मनरेगा योजना के अंतर्गत चक्रोड, तालाब अनेक काम कराए हैं। प्रधानमंत्री आवास, हमारे यहाँ 7 अनुसूचित जाति, 5 पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों को मिले। और मैं मांग करता हूँ कि ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक धन मिले, जिससे बाकी रही सड़कें, खरंजा नाली को दुरुस्त करा दिए जाएँ, सीसी करा दिए जाए। ये हमारे यहाँ बारात घर की बहुत आवश्यकता है, बारात घर नहीं। बस ये कहना है, अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल नहीं है। 6 से 8 तक की लड़कियां गांव से दूर पढ़ने जाती हैं। कैसे परेशानी, बरसात में हर समय परेशानियों का जूझना पड़ता है। हमें एक जूनियर हाई स्कूल की बहुत आवश्यकता है।